नमस्कार दोस्तों, पिंटू ब्लॉगर चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कोई सॉप 450 सालों से ज्यादा बिना किसी दवाई या उपकरण के ताजा अवस्था में कैसे रह सकता है? और आपको बता दूंगी कि गोवा की पंजी में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में पिछले 450 साल से सेंट फिशर जीबियर बॉडी रखी हुई है। अगर हम साइंस माने तो किसी भी इंसान की मृत्यु के पश्चात उसका खून ठंडा होकर सूख जाता है, लेकिन 450 वर्ष पुरानी सेंट फिंसियर जीबियर की कहानी पढ़कर आप भी चौंक जाओगे। ऐसा कहा जाता है कि फिंसियर जीबियर शरीर में ऐसा दिव्य शक्तियाँ हैं जिसके वजह से इतने वर्ष बाद भी शरीर सड़ा नहीं है। सेंट फिंसियर जीबियर सेंट बनने से पहले एक सिपाही थे, बिग्नेटियस लॉयटी के स्टूडेंट थे। बता देंगे कि इग्नेटिया सोसाइटी ऑफ डिजीज नाम की एक धार्मिक संस्था शुरू की थी। उनकी मौत एक समुद्र यात्रा के दौरान हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि सेंट जीवियर ने अपने मौत से पहले ही शिष्यों को उनका शव गोवा में दफनाने के लिए कहा था। उनका अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए उनका शिष्य ने उनका शव गोवा में दफनाया था, लेकिन कुछ वर्ष बाद रोम से आए हुए संतों की डेलीगेशन उनके शव को कब्र से बाहर निकालकर फ्रांसिस जीवियर चर्च में दोबारा दफनाया था। चौंकाने वाले बात यह है कि शव को कुल 3 बार दफनाया गया, लेकिन हर बार उनका शव पहली बार जितने भी ताजा अवस्था में मिला। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक महिला ने सेंट फ्रांसिस जीवियर की डेड बॉडी पैर में सुई जो हुई तो उसमें से खून निकला। ये खून तभी निकला जब ही उनकी बॉडी को सूखे हुए सैकड़े साल हो गए थे। आज भी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सेंट फिशर जीवियर की बॉडी रखी हुई है। हर 10 साल में ये बॉडी को दर्शन के लिए बाहर रखी जाती है। 2014 में आखिरी बार इस बॉडी को दर्शन के लिए निकाला गया था। इतनी पुरान होने के बावजूद भी आज भी ये सब सड़ा नहीं है, इसके कांच के ताबूज में रखा गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे ये वीडियो पसंद आई है, लाइक और कमेंट ना भूले। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।